कारवां टीवी हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जैसा कि आपको पता है आज हम रिछोला की सरजमी पर खड़े हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कि एक यहां पर खोखा है और एक झोपड़ी बनी हुई देख रहे हैं। यहां पर इस झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता है अपने मासूम बच्चों के साथ। तो एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि जीवन में चाहे जितने भी जोड़ लो हीरे मोती, जीवन में चाहे जितने जोड़ लो हीरे और मोती, मगर एक बात याद रखना दोस्तों, कफन की कभी जेब नहीं होती, कफन की कभी जेब नहीं होती। तो दोस्तों पैसा सबके पास होता है लेकिन गरीबों पर खर्च करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और जो खर्च करते हैं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वो दानवीर कौन है जो हमेशा गरीबों की मदद करता चला आया है। ऐसे ही दानवीर हैं संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता एक कोई पहचान के मोहताज नहीं है। संतोष गुप्ता भाजपा से जिला कार्यालय मंत्री हैं और उनकी पत्नी जो है वो सभासद हैं नगर की, और एक बड़ी पहचान रखते हैं, बड़े व्यापारी हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि इनको किस तरीके से खबर हुई इस गरीब परिवार की। इस गरीब परिवार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब बरसात होती है तो बरसात के टाइम में इस गरीब परिवार का बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर पानी भर जाया करता है और पानी के साथ साथ यहाँ पर सांप बिच्छू भी आ जाते हैं, तो हमेशा जान का खतरा बच्चों को बना रहता है, परिवार को बना रहता है। और आंधी तूफान में भी इस परिवार का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। आंधी तूफान में झोपड़ी इनकी उड़ जाया करती है, तो ऐसे में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इनको मदद पहुंचाने के लिए संतोष गुप्ता जी आए हैं, उनके साथ महावीर गुप्ता जी आए हुए हैं, सुपीर असुद्दीन आए हुए हैं और भी कई लोग आए हुए हैं कि क्या क्या मदद कर रहे हैं इनकी। हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या इनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं उस दानवीर को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ कि क्या उनकी क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं इस गरीब परिवार की, किस तरीके से इनको खबर लगी, किस तरीके से इस परिवार की मदद की है और क्या क्या मदद की है, जानना चाहेंगे हम संतोष गुप्ता जी से। जी भैया, सबसे पहले कारवां टीवी में आपका स्वागत है और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस परिवार की आपको किस तरीके से खबर लगी और क्या क्या मदद करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो नवाबगंज में जो परेशान लोग होते हैं, कोई भी अगर खबर होती है, कोई दीन दुखी, कोई भी हर तरह की, चाहे सामाजिक हो चाहे तहसील की हो, आप उन खबरों को प्रकाशित करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आपने अभी कुछ लगभग एक हफ्ते पहले आपने एक वीडियो डाली थी ग्रुप पे इस परिवार से संबंधित। हम लोगों ने उसको देखा और देखने के बाद में हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे मालिक, ऐसे परिवार के लिए आप कुछ ना कुछ मदद कराइएगा। तो आज जो इनकी मदद हुई है वो हम लोगों की देन नहीं है, ना हमारा उसमें कोई अंश है। जो सब कराने वाले प्रभु हैं, उन्हीं के कृपा से हुआ है। हम तो मात्र एक जरिया हैं, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। ये तो सब ईश्वर कराने वाले हैं और उनके बिना कृपा से कुछ हो संभव भी नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर चाहें तो हम जो आपके सामने बोल रहे हैं, पल भर के लिए हमारी सांस रोक दे तो हमारा खेल ख़त्म। तो जो कुछ है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो ही कराने वाले हैं, वो ही सद्बुद्धि देने वाले हैं, वो ही जरिया बनते हैं। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है और जो भी है सब कराने वाले ईश्वर हैं, करने वाले ईश्वर हैं। हम लोग एक माध्यम हैं और माध्यम होने के नाते ईश्वर ने ये कार्य कराया है, और मुझे लगता है अगर ईश्वर चाहेंगे, उनकी कृपा रहेगी, वो और लोगों को भी कराने के इच्छुक होंगे तो हम लोगों को सद्बुद्धि देंगे और ऐसे कार्य आगे भी होते रहेंगे। ये थे संतोष गुप्ता, और हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीकृष्ण चक्रवर्ती। मेरा नाम है श्रीकृष्ण चक्रवर्ती जी। ये हमारे मेंबर साहब बहुत ही बेचारे गरीबों के बहुत ही मददगार हैं। अभी हमारे मोहल्ले में जो है एक व्यक्ति बहुत ही दुख से पीड़ित था, उसको पीलिया हो गया था, तो उसके पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, उसके माँ बाप नहीं है। हमने मेंबर साहब को ये अवगत कराया था कि मेंबर साहब ऐसी ऐसी हालत है। मेंबर साहब ने पुनः ये हमें अवगत कराया कि माँ साहब घर चले जाओ और पैसे ले आओ, ठीक है। मेंबर साहब ने पुनः 5100 रुपये जो है उस बच्चे को दान किए, दान बतौर दिए और कहा कि हम इसका आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं और इसको इलाज के लिए आवश्यकता है।
ठीक है, और निकलवा दिया, हाँ निकलवा दिया है, और ऊपर भी इन्होंने हर संभव मदद के लिए प्रयासरत रहे हैं और आगे भी रहेंगे, हमें इनसे उम्मीद है। और हमारे ये हमारे बार्ड के इसमें वर्तमान में मेंबर साहब भी हैं, रहे भी हैं, ठीक है, आगे भी रहे और इसमें भी हैं, इनका बहुत ही पुण्य का काम है और बहुत ही जो है नेक बंदे हैं, ये भगवान के बंदे हैं, हम तो इन्हें भगवान के बंदे मानते हैं भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री कृष्ण चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती जी के आपने बयान सुन लिए, एक गरीब परिवार की उन्होंने फिर से मदद की है, लेकिन ये कभी दिखावा नहीं करते। आज हम टाइम पर आज हम टाइम पर पहुंच गए यहाँ पर, तो एक गरीब परिवार की मदद करते हुए देखा, तो हमने यहाँ पर कैमरा खोल लिया। और भी हमारे साथ महावीर गुप्ता जी हैं, इनकी क्या राय है इस मामले में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे जी। क्या कह रहे गुड्डू भाई? नमस्कार भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आप जनता के मुद्दों को बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे हैं और ये बहुत बढ़िया कार्य है, क्योंकि मैंने देखा अभी पिछली बार भी रिछोला आया था तो भी आपका ही चैनल था, तो आपने जो है ये वीडियोग्राफी करवाई, और जो उनके लिए नाम मैं भूल गया, क्या नाम है उनका, उनके लिए शमशाद के लिए जो इनने संतोष गुप्ता ने जो सहयोग करा, और जो भी चावल है, आटा है, तेल, घी, रजाई, गद्दा और जो भी सामान खाने पीने का दिया इन्होंने। और एक बहुत अच्छी बात है कि ये संतोष गुप्ता जी दो बार से सभासद हैं और ये जो कार्य कर रहे हैं, इनके कार्य करने से एक सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं और चर्चा करते हैं कि यार संतोष गुप्ता का रिछोला में तो कोई ऐसा राजनीतिक वो है नहीं, या तो वोट वूट राजनीति चाहिए कि भाई वोट वहाँ पर है तो उसी घर में जा रहा है कि नवाबगंज के वोट है भाई यहाँ, तो उनको हम कुछ दे दें तो हमारे लिए वोट मिल जाएंगे, एक लालच होता है वोट का। तो वोट का इन्हें कोई लालच नहीं है, जो राजनीति ऐसी करते भी नहीं, इन्हें इनका रुझान जो है अध्यात्म की तरफ है, और ये अध्यात्म पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, और समाज सेवा जो कर रहे हैं तो ये नहीं देखते हैं कि ये किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का है। लेकिन इन्हें अगर आपके वीडियो के माध्यम से पता लग जाती, क्योंकि आपका चैनल चलता रहता है, आप बहुत अच्छी लोगों के बारे में लिखते हो, जान बताते हो, तो ये भी देखते हैं और हम लोग भी देखते हैं। तो ये कार्य जो आज हो रहा है ये बहुत सराहनीय है, बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, और इससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी और आदमी की जो गलत धारणा है वो ख़त्म होगी। इंसान ये सोचेगा कि हम भी किसी गरीब के लिए कुछ करें, और इससे अच्छा संदेश जाएगा। मैं जो है ये मेंबर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और गुड्डू भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस कार्यक्रम को आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो जी। हमारे साथ राकेश जी भी बने हुए हैं, राकेश जी भी से भी जानना चाहेंगे, सभासद हैं राकेश जी, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके की सेवा है और क्या कहना चाहते हैं संतोष गुप्ता जी के बारे में। राकेश जी स्वागत है आपका कार्बन टीवी। धन्यवाद। संतोष गुप्ता जी का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, और मैं तो कहूँगा प्रभु उनको और क्षमता दे कि जो इस तरीके के लोग हैं उन लोगों की, संतोष गुप्ता हम लोगों की टीम की एक उन लोगों की मदद कर सके। धन्यवाद। हमारे साथ सरजमी रिछोला की एक शख्सियत जिसका नाम है नसीरुद्दीन सूफी जी, नसीरुद्दीन हबीबी जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष गुप्ता जी के बारे में उनकी क्या राय है? संतोष गुप्ता जी के बारे में क्या बयान करा जाए, सबसे पहले तो मैं उन्हें इस बात की धन्यवाद देता हूँ कि सामने से आदमी का चेहरा दिखता है कि समाज में गरीबों की मदद कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, बगैर किसी स्वार्थ, बगैर किसी लालच के। वो अगर मुझे कोई दिखा तो वो गुप्ता जी दिखे। और एक शेर में गुप्ता जी को पेश कर रहा हूँ कि खोटा रिश्ता बहुत है, खोटा रिश्ता भी बहुत होता है, और थोड़ा सा वक्त भी बहुत होता है, सिर्फ होठों की तसल्ली के लिए एक कतरा भी बहुत होता है। ये आज हमारे रिछोला के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे गांव के किसी सम्मानित आदमी को ये चीज़ नहीं दिखी। ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे पड़ोस के गुप्ता जी को, हमारे गांव पर रोड पर रहने वाला जिसको हम दिन रात देखते हैं, अफसोस वो आदमी हमारा शमशाद भाई खोखे में रह कर ज़िंदगी काट रहा है, हमें नहीं दिखा।
लेकिन हमारे गुप्ता जी को, संतोष जी को दिख गया, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है और खुशी की बात है। आयुष्मान में इसी चीज़ से लेके मैं दुआ करता हूँ कि संतोष गुप्ता जी जिस काम में भी अपना कदम रखें, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हर कदम उनका कामयाबी का उठे। और इसी के साथ साथ उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अपनाएं, नज़र डालें कि किस आदमी को कहाँ किसकी ज़रूरत है, हम जिस लायक हैं हमें उसके हिसाब से उसकी मदद करना चाहिए। जय हिंद। ये थे नसरुद्दीन हबीबी जी। अब हम उस पीड़ित परिवार से शमशाद भाई जो हैं, हम उनसे कहेंगे आगे आएँ। शमशाद भाई, कैसा लग रहा है आज आपको कि इन्होंने मदद की है? हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम भावुक मत होइए, आप आराम से बताइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आपका जो है कामयाबी, हमदर्दी की तरफ से आपको, हमारी तरफ से हमदर्दी जो आपने की है उसको बहुत शुक्रगुजार अदा करते हैं। कैसा लग रहा है, क्या क्या सामान दिया है, कैसा लग रहा है आपको? हमें जो भी सामान की ज़रूरत पड़ी है वो सभी कुछ हमें दिया है साहब जी ने, इसके हम शुक्रगुजार अदा करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। देखिए शमशाद भाई जो हैं इस समय भावुक हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं संतोष गुप्ता जी के लिए एक शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, एक शेर कहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, मगर मंजिल की जस्तजू में मेरा ये कारमा तो है, मेरा ये कारमा तो है। हमारे साथ संतोष गुप्ता जी जो समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के बन जाए हम सफ़र। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये बात में रख लेना, 1000 अपने कोई चीज की जरूरत हो अपने साग सब्जी के लिए तो ले आना, ठीक है? तो परेशान मत हो बिल्कुल, हमने तो नहीं रोने की कोई हिम्मत बता रहे, हिम्मत कहाँ रहे भाई हमारे, तब भी कोई जरूरत हो तो सूपी जी को ना बता देना, ये हमारे तक आप हम पहुंचवा देंगे, रियाज भाई हैं जो पहुंचवा देंगे। दुर्मत हो, दुर्मत हो रहे हो, सब लोग हैं आपके साथ हैं।